नमस्कार दोस्तों, ऐसे असेसीज यानी ऐसे करदाताओं के केसेस में जहां पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, बाय डिफॉल्ट असेसमेंट ईयर 2021-22 की आईटीआर फाइलिंग करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 कही जा रही। अब यदि आप 31 दिसंबर 2021 तक अपनी रिटर्न नहीं भर पाए या आपने रिटर्न भरी परंतु उस रिटर्न में कुछ प्रकार की खामियां रह गई, या मैं बोलूं कि लास्ट मिनट रश जो इस समय चल रही है यानी लास्ट मिनट प्रेशर जो इस समय बना हुआ है क्योंकि अब लास्ट डेट 31 दिसंबर आ रही है, तो बहुत से असेसीज खलबली में भी हैं कि मैं अगर 31 दिसंबर तक किसी वजह से रिटर्न नहीं भर पाया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो मुझे लगा दोस्तों इस विषय पर जनता जनार्दन के कुछ टैक्सेशन क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट्स यहां पर डिस्कस होने चाहिए। और इसी दृष्टि से दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में इस लास्ट मिनट रश के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कंसिडरेशन के लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाते समय सबसे पहला जो पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इफ यू मिस 31 दिसंबर 2021, कि मैं मान लेता हूं कि आपके केस में ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2021 और किसी वजह से आप 31 दिसंबर 2021 तक रिटर्न नहीं भर पाए, तो क्या फिर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए रिटर्न फाइल ही नहीं हो पाएगी? आंसर ऐसा नहीं है। यानी अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए दोस्तों रिटर्न नहीं भर पाए तो आपके पास 31 मार्च 2022 लास्ट डेट होगी अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसी रिटर्न जो 31 दिसंबर 2021 तक भरनी थी उसे 31 मार्च 2022 तक भरेंगे तो आपको ₹1,000 या ₹5,000 की डिले रिटर्न फाइलिंग की फीस अंडर सेक्शन 234F, जैसा कि मैंने यहां लिखा भी है कि अंडर सेक्शन 234F आपको वो फीस देनी पड़ सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, पहले ये डिले फाइलिंग की फीस 1000, 5000, 10000 होती थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 से इस लिमिट को 1000 एवं 5000, रादर एक तीसरी लिमिट भी है, नील। आप बोलेंगे भाटिया जी निल कब लगेगी, यानी मैं मान लीजिए 31 दिसंबर तक रिटर्न ना भरूं और उसके बाद मेरे पास 31 मार्च 2022 तक रिटर्न भरने का ऑप्शन है, तो फिर बिना फीस के भी क्या मैं बिलेटेड रिटर्न भर सकता हूं? मेरा उत्तर है हां सर, आप भर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको आईटीआर भरना कंपलसरली अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 रिक्वायर्ड नहीं। यानी ऐसे समस्त करदाता जिनको रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है और वो वॉलेंटरली 31 दिसंबर 2021 के बाद 31 मार्च 2022 तक अपनी रिटर्न भरेंगे, वो बिना फीस भी अपनी रिटर्न भर पाएंगे। एक और प्रश्न दोस्तों, व्हाट इफ यू कुड नॉट रिपोर्ट ऑल इनकम आइटम्स इन आईटीआर अप टू 31 दिसंबर 2021, कि मान लीजिए 31 दिसंबर 2021 की आपाधापी में ने अपनी सारी इनकम को प्रॉपरली अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो ऐसी परिस्थिति में लॉ मुझे ऑप्शन देता है कि मैं 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न जितनी मेरे पास सूचना है उसके साथ भर दूं और फिर 31 मार्च 2022 तक का टाइम मेरे पास यानी अतिरिक्त 3 माह होंगे जिसमें मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं। तो आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है अगर 31 दिसंबर 2021 तक रिटर्न भरते समय कुछ डेटा छूट रहा है, आपके पास पर्याप्त डेटा नहीं है, या आपके 26 ईयर्स में सामने वाले ने जो टीडीएस काटा वो ही नहीं दिख रहा, तो ऐसी परिस्थिति में आप 31 मार्च 2022 तक जो अभी रिटर्न भर रहे हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस थिंग कि अभी मेरी रिपोर्ट में या रिटर्न में कुछ गलती हो रही है तो उसे कैसे सुधारूंगा, हम बिल्कुल उस गलती को बाद में सुधार सकते हैं। कुछ पॉइंट दोस्तों जो मैं अपनी ओर से यहां पर आपको देना चाहता था कि पॉइंट्स टू बी रिव्यूड बिफोर आईटीआर फाइलिंग, क्या आईटीआर जब आप फाइल कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी आईटीआर भर भी दी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक, लेकिन उनके लिए भी मेरे कुछ सजेशन है और उनके लिए भी सजेशन है जो अब रिटर्न भरेंगे कि वो चेक करें रिटर्न भरते समय हैव यू इंक्लूडेड सेविंग बैंक इंटरेस्ट इन आईटीआर। मैंने देखा सर बहुत से लोग आईटीआर भरते समय अपने सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को रिपोर्ट नहीं करते। अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की डिटेल्स भी आ रही है, तो व्हाई नॉट यू शुड ऑफर यूर सेविंग बैंक इंटरेस्ट इन आईटीआर, चाहे वो 10,000 की लिमिट में ही क्यों ना हो। Have you reported all capital gain transactions in ITR? मान लीजिए आपने कोई real estate sell करी या आपने कोई share market mutual fund के transaction किए, तो you are supposed to report all such transaction in your ITR क्योंकि वो भी annual information statement में दिख रहे हैं। Have you claimed all legitimate deductions in ITR? क्या आपने ITR भरते समय सारे
लेजिटिमेट डिडक्शन क्लेम कर लिए हैं, और ऐसे डिडक्शन ना क्लेम करें सर जो आपके क्लेमेबल नहीं है लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इस विषय में भी इनकम टैक्स में इंक्वायरी हो सकती है। सो वन नीड्स टू बी कॉशियस अबाउट दैट। हैव यू रिव्यूड योर बैंक क्रेडिट्स बिफोर फाइलिंग आईटीआर? क्या आपने आईटीआर भरने से पहले आपके बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट साइड में एंट्री आ रही हैं उनका रिव्यू कर लिया है? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं या मेरे कोई भी सीए मित्र जब आपकी रिटर्न भरते हैं तो वो आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि लाइए सर बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। हो सकता है कोई व्यक्ति मुझे कहे नहीं नहीं अनूप जी मैं क्यों दिखाऊं, मैं बोलता हूं सर आप ऐसे मत सोचिए कि मैं आपकी क्रेडिट्स पर नजर रख रहा हूं, मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि आपकी जो भी बैंक में क्रेडिट्स आई हैं अगर उनमें कोई इनकम का कंपोनेंट है तो वो आपके आईटीआर में ड्यूली रिपोर्टेड होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हैव यू गॉन थ्रू एआईएस? मैंने एआईएस पर एक अलग से वीडियो कुछ दिनों पहले बना करके डाली थी। मेरा निवेदन है सर कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देखिए, आपको एआईएस पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है और एआईएस की इंफॉर्मेशन आपकी रिटर्न के साथ सिंक होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। आर यू फाइलिंग रिटर्न इन करेक्ट फॉर्म? क्या आप रिटर्न को करेक्ट फॉर्म में भर रहे हैं? ये विषय पर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट, कंसल्टेंट आपको सही राय देंगे कि आपको कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स का ध्यान रखना रिटर्न भरते समय बहुत जरूरी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लाया हूं, उसका सॉल्यूशन देता हूं यहां पर। व्हाट इफ यू डोंट हैव बैलेंस टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स? मान लीजिए मैं 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने के लिए तैयार हूं और मेरे 45,000 की टैक्स लायबिलिटी आ रही है और मेरे पास में 45,000 का अमाउंट पे करने की अभी सफिशियंट व्यवस्था किसी वजह से नहीं है। अब मैं रिटर्न भरना भी चाह रहा हूं लेकिन 45,000 पे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में अमाउंट नहीं है। दोस्तों मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि आईटीआर भरने से पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी का भुगतान अवश्य करें जो भी ड्यू बनती है। यदि नहीं कर पाएंगे तो आप असेसिन डिफॉल्ट माने जाएंगे, आप पर 220 का ब्याज, 221 की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइनली पैसे नहीं है और आप फिर भी आईटीआर भर रहे हैं तो ऐसी आईटीआर भरना इनवैलिड आईटीआर नहीं माना जाएगा। ये एक स्पष्ट व्यवस्था मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं कहना चाहता हूं कि आज मेरे पास 45,000 नहीं है पर हो सकता है अगले महीने मेरे पास व्यवस्था होगी तो मैं अपनी रिटर्न क्यों डिले करूं, रिटर्न तो भर देता हूं, 45,000 विद इंटरेस्ट अगले महीने तक जमा करा दूंगा। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस ऑन विच यू कैन एक्ट अपॉन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आईटीआर की ये जो आपाधापी है 31 दिसंबर 2021 की, हो सकता है भारत सरकार ड्यू डेट बढ़ाए लेकिन मैं नहीं मानता कि इस बार ड्यू डेट बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ेगी तो नेचुरली असेसीज को जो बेनिफिट होगा उसको मैं कभी नहीं रोकना चाहूंगा, लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि वी ऑल शुड ट्राई आर लेवल बेस्ट दैट इफ द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू अस इज 31 दिसंबर, वी शुड फाइल द रिटर्न बाय दैट डेट। इफ वी कुड नॉट देन वी शुड अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज आई विल फेस, एंड इफ वी कुड नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्म और इन अ प्रॉपर रिपोर्टिंग मैनर देन वी नीड नॉट टू वरी, हमारे पास रिवाइज रिटर्न करने का भी टाइम लिमिट है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको किसी हद तक यूजफुल लगी होगी और आपकी इनकम टैक्स की किसी भ्रांति को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हमेशा हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।